तो आज का मुद्दा हमारे पास ये है कि हम किसी भी शेकी फुट को स्टेबल किस तरह कर सकते हैं विद इन टू क्लिक। जी आपने सही सुना, दो क्लिक पे किस तरह कर सकते हैं इन डिविजी रिजॉल्व। तो आपने करना क्या, पहला स्टेप डिविजी रिजॉल्व ओपन किया, इसमें क्रिएट न्यू टर्मिनल बनाई और उसका नाम रखा V1। ठीक है, यस सर। ओके, नाउ कम टू दैट बैक पॉइंट। हमारे पास पहली फुटेज क्या है, हमारे पास ये फुटेज है। ओ कितनी ज्यादा इसमें ऑडियो है भाई, ये कहाँ से आया भाई, ये जो है इफेक्ट 30 का कमाल है। बट हमारे पास जो है इतना टाइम नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो सबसे ज्यादा गंदी शेकनेस है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये कितनी ज्यादा शेक हो रही फुटेज। इसको मैंने पकड़ा, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हमारे पास ये एक हो गया। ठीक है, डेमो के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, अगर आपको इंस्पेक्टर नज़र नहीं आ रहा तो ये इस तरह छुपा हुआ होगा, आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, नीचे आएंगे आपका सामने स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर आपने सिंपली क्लिक करना है, तो भाई ये फुटेज स्टेबलाइज होगी। ठीक है, अभी भी थोड़ी बहुत मूवमेंट है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ कि ये फुटेज ऐसे लगे कि भाई एक ट्राइपॉड भी ली गई, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जाके कैमरा लॉक पे क्लिक कर दूंगा एंड अगेन स्टेबलाइजेशन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये बूम सेलेक्ट हो गया। आप देखें वो मूवमेंट ही नहीं हो रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड विदाउट विद स्टेबलाइजेशन विद कैमरा लॉक, तो भाई तीनों में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट कि भाई हमारे पास इस पर तीन ऑप्शन है, प्रोस्पेक्टिव, सिमिलैरिटी एंड ट्रांसलेशन। अब इन तीनों को यूज़ क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव मतलब सिंपली अंदाज़ा, कि भाई अंदाज़ा लेते कि फोटो इस तरह से इस तरह हुई तो मुझे इस तरह करना पड़ेगा, ये इसका एक एल्गोरिथम है बैक में। ठीक है, इसके बाद हमारी जो सिमिलैरिटी वो सिंपल एक चीज़ पर काम करती है, वही कैमरा मूवमेंट फॉलो करती है। बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता हूँ, यस दिस वन इज़ बेहतरीन। ठीक है, वेट सेकंड, यस दिस वन, जो हमारे पास जो लड़का जा रहा रिंग में, ठीक है, मैंने इन किया एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ बेस्ट। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बेहतरीन, कि हमें ऑडियो नहीं चाहिए, हमें खाली ये चाहिए। ठीक है, तो ये रही भाई फुटेज, बहुत लंबी चली गई है, इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा ताकि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो। मैं सिमिलैरिटी पे गया, स्टेबलाइज पे मैंने क्लिक किया, पहले मैं फुटेज को सिलेक्ट करूँगा एंड स्टेबलाइज पे क्लिक किया। अब आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकेंगे। अगर यही चीज़ मैं जाके प्रोस्पेक्टिव में करूँ कैमरा लॉक के साथ, तो ये इसकी शेकनेस देखना, वॉबलिंग देखना, ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है, सो दैट्स डिफरेंस बिटवीन के भाई वो फुटेज बिड़ा का रखा था, क्योंकि बाज़ जगहों में प्रोस्पेक्टिव काम नहीं करता, सिमिलैरिटी काम करते हैं। सिमिलैरिटी पर अगर हम कैमरा लॉक ऑन करेंगे तो वो क्या करेगा, उसी जगह पर कोशिश करेगा कि भाई ज़्यादा जो है कैमरा मूव ना हो, कम से कम हो। बट बेहतरीन ये है कि आप सिमिलैरिटी को खाली सेलेक्ट करें। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसलूशन, जो हमारे पास लास्ट इसका, ठीक है, तो उसके लिए मैं दूसरी फुटेज सेलेक्ट करूंगा ताकि आप लोग को और माइंड क्लियर हो आप लोगों का। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये फुटेज ले लें या ये वाली ले लें, ये वाली मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है कि भाई जिसपे हमारे पास एक सिंपल सा शॉट है। ठीक है, इसको हम रिवीलिंग शॉट कहते हैं, सही है, ये इन एंड ये आउट। आप लोग कहेंगे ये इमेज इतनी वाइप आउट क्यों, क्योंकि इसमें कलर नहीं है, दिस इज़ अ वन। ठीक है, इसमें हमें क्या गया ट्रांसलूशन पर, हमने स्टेबलाइज पर क्लिक कर दिया। ठीक है, एंड आप विदाउट एंड विद स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं, माइनर से चेंज है बट इट्स वर्क अलॉट। इसके अलावा ये तीनों एक साथ जब चल रही होंगे तो आपको फील किस तरह होगा, फॉर एक बेटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये तीनों आप लोगों ने डिफरेंस देख लिया, इसके अलावा आप इसको किसी भी फ्रिज पे टेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही दिमाग होगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और भाई मुझे लाइक या सब्सक्राइब करते हैं, मांग नहीं रहा भाई, अगर काम अच्छा लग रहा है, एफर्ट अच्छी लग रही है, तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर नहीं लग रहा तो भी कमेंट में बताएं कि भाई गालियाँ खाली दें, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन आएगी भाई, बस यही था आज की टाइम राउंड भाई। चलो, आगो, टिप्पी, लाफेज़।